फैलाया। क्यों? इसलिए कि उसकी जरूरत के घेरे फैले हुए, वो तकसीम कार करके आपस में काम बांट के फिर वो रहता है तो जिंदगी आसान हो जाती है। कोई होगा जो कपड़ा बुनेगा, कोई होगा जो कपड़े को लिबास की शक्ल देगा, कोई होगा जो खुराक उगाएगा, कोई होगा जो बर्तन बनाएगा, कोई होगा जो जूता तैयार करेगा। अब अगर कोई एक शख्स भी, कोई एक वॉक ऑफ लाइफ भी शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले न हो, अगर वो ना हो तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। बाकी छोड़िए हजाम नाई, आप सोचिए आपके हासिलपुर के इलाके में अगर कोई नाई ना हो, किसी को मुंह दिखाने के न रहे हो, तो हम मिलजुल के रहते हैं, तकसीम कार करते हैं, तो फिर इस तरह हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाती है, वरना मुश्किल हो जाएगी। जब मिलजुल कर रहेंगे तो कहीं झगड़ा भी होगा, फसाद भी होगा, मफादात का टकराव भी होगा, हंगामा भी होगा। जब झगड़ा होगा तो उसको निपटाने के लिए कोई कायदा भी चाहिए, कानून भी चाहिए, जाब्ता भी चाहिए। जब कोई कायदा और जाब्ता बनाया जाएगा तो उसके मुताबिक फैसला करने के लिए कोई अदालत भी चाहिए। जब अदालत होगी तो उसके फैसलों को नाफिजुल अमल करने के लिए हुकूमत भी चाहिए, इख्तदार भी चाहिए। उसके बगैर तो ये मुआशरा तश्कील नहीं पा सकता। अब जब हम गौर करते हैं तो हमें बताया जाता है कि सबसे बेहतर मुआशरा वो है जिसमें फैसले हक व इंसाफ के मुताबिक होते हैं। अब हमारे यहां कानून और इंसाफ का जो मेयार है, मेरा ख्याल है वो मरसिया पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। बात वो बताई जाती है जो आंखों से ओझल हो। अब अगर कोई शख्स मुझसे कहे इस वक्त कि जी साबित करें कि ये दिन का वक्त है, तो मैं कहूंगा भाई अगर आपकी आंखें हैं तो मुझे साबित करने की जरूरत नहीं, और अगर आंखें नहीं है तो मैं साबित कर ही नहीं सकता। हजरत मुकर्रम जहां पर जजों को ब्लैकमेल किया जाता हो, जहां पर इंसाफ बराए फरोख्त हो, जहां कानून मोम की नाक को जिधर चाहे मोड़ दे, और इंतहाई माजरत के साथ जहां हमारे इंतहाई काबिल और समझदार होकर सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की सलाहियत से मालामाल हो, जहां पर फेक डॉक्यूमेंट्स और झूठे गवाहों की मदद से हकायक को मस्त कर दिया जाता हो, वहां पर इंसाफ के साथ जो कुछ हो सकता है वो हो रहा है, वो हम देख रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं, रोजमर्रा के मुशाहदे भी है सब। लेकिन सवाल यह है कि वो जो ममालिक हैं महजब तहजीब याफ्ता जिनकी मिसालें दी जाती हैं, क्या वहां हमेशा इंसाफ होता है? वैसे तो अगर आप सोचें, अगर इराक पर हमला हुआ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के बहाने से और लाखों अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, ये अमरीका और उन महजब ममालिक ने मिलकर फैसला किया, और अब वो नदामत और शर्मिंदगी से अब आंखें नहीं उठा सकते कि ये वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन तो कहीं नहीं हुआ, तो थे भी नहीं, उनको पता था। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर जो आए वो जो कुछ करने के लिए, और जिस तरह उन्होंने यहां पे मौत बांटी है, मैं ये सिर्फ कहना चाहता था कि ये जो महजब ममालिक हैं जब ये गलत फैसले करते हैं तो इनकी तो तबाही कहीं ज्यादा होती है। अब ऐसे में मैं अब उस लेवल पे नहीं जाता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, मैं अपनी औकात में रहना चाहता हूँ। जब फैसले हक को इंसाफ के मुताबिक न हो तो फिर उनका रद्द अमल भी सामने आता है। आपने भी सुना होगा कि डाकू पैदा होते हैं जागीरदारों और सरदारों और वडेरों के जुल्म और सितम के नतीजे में। जब उनको अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तो मजबूरन फिर वो खुद इंसाफ के लिए खड़े हो जाते हैं, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर जो चाहता है सो करते हैं। हजरत मुकर्रम यहां पर आकर मजहब का किरदार शुरू होता है। मजहब बताता है कि अगर तुम मजलूम हो, तुम्हें इंसाफ नहीं मिला, तो तुम जालिम मत बनो। तुम मजलूम हो ना तो तुम जालिम मत बनो। तुम्हें अगर यकीन हो कि एक अदालत और भी है,
और वहां पर दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। वहां पर किसी मजलूम के गले में फंदा फिट नहीं किया जाएगा और किसी जालिम को रियायत नहीं दी जाएगी। अगर उस अदालत पर यकीन होगा तो यह दुनिया रहने की जगह होगी। यहां पर फिर हर एक खुद इंसाफ को और कानून को अपने हाथ में नहीं देगा, वो मजलूम रिएक्शनरी होकर रद्द अमल के तौर पर खुद जुल्म पर आमादा नहीं हो जाएगा। तो ये मजहब की वजह से ये दुनिया इस काबिल रहती है कि हम यहां सुकून से वक्त गुजार सकें, वरना जिसके साथ भी जुल्म हो, जिसका हक भी मारा जाए, अगर वो सब अपने तौर पर खड़े हो जाए अपना हक लेने के लिए, तो जरा सोचिए इस दुनिया का हाल होगा क्या। हजरत मोहतरम, इस मकाम पर सिर्फ एक सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए, वो ये कि अगर उस अदालत में मजलूम के साथ कोई जुल्म नहीं होगा और जालिम को छूट नहीं मिलेगी, तो मौलवी हमें क्या पट्टी पढ़ाते रहते हैं कि अल्लाह से इस्तग़फार करो, माफी मांगो, तौबा करो। हम तौबा करें ना करें, अगर जुल्म किया है सजा तो मिलेगी, अगर गुनाह किया है तो फिर रब की तरफ से हमें भुगतना तो पड़ेगा। तो फिर ये इस्तग़फार करो, तौबा करो, माफी मांगो, ये करो, वो करो, ये सब कुछ क्या है? ये ढकोसले, ये खाने पीने के मौलवियों के बहाने हैं, पेट पालने के तरीके। हजरत मुकर्रम, इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, फर्ज कीजिए खुदा ना खास्ता मैंने आप जैसे किसी के साथ जुल्म किया हो, किसी का हक खाया हो, तो जिस तो जाहिर है कि मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, इंसाफ का तकाजा ये है। लेकिन क्या ख्याल है आपका, जिस शख्स का मैंने अगर हक खाया है, आपके ख्याल में उस शख्स को ये हक होना चाहिए या नहीं कि वो चाहे तो मुझे बख्श दे, माफ कर दे, चाहे तो ना करे? अच्छा, मैं एक मुकम्मल हक की बात कर रहा हूं, आजकल की तरह नहीं कि जनाब हक तो दिया कि हम चाहो तो माफ करो, चाहे तो ना करो, लेकिन साथ ही डंडा लेके खड़े हैं, कर माफ वरना भुगतना पड़ेगा तुझे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, यानी उसको मुकम्मल इख्तियार है, चाहे तो माफ करे, चाहे तो ना करे। मैं ये अर्ज करूंगा कि यह हक देना बहुत जरूरी होगा, वो इसलिए कि अगर ना हो तो बहुत सी पेचीदगियां हो सकती हैं। मसलन, औलाद ने वालदैन का हक खा लिया, अब वालदैन के लिए दोहरा सदमा, एक तो औलाद ने उनके साथ ऐसा किया, अब उनकी वजह से औलाद को सजा मिल रही है, वो माफी नहीं कर सकते, दोहरा सदमा हो गया ना वालदैन के लिए। इसलिए जिस शख्स का हक किसी ने खाया है, उस शख्स को अगर ये हक दे दिया जाए कि वो चाहे तो माफ करे, चाहे तो ना करे, तो ये रहम है। और याद रखिए कि रहम जुल्म के खिलाफ नहीं है, माफ कीजिए, रहम अदल के खिलाफ नहीं है, अदल के खिलाफ जुल्म है, अदल के खिलाफ रहम नहीं है, ये रहम है। यहां पर हमें बताया जाता है कि याद रखिए हुकूक की दो किस्में हैं, एक हुकूक अल्लाह है, एक हुकूक लिबान है। जो अल्लाह का हक है वो चाहेगा तो माफ फरमा देगा, ये और बात है कि उसने बता दिया कि मेरा एक हक ऐसा है जो मैं माफ नहीं करूंगा, पहले बता दिया कि अगर किसी ने मेरे साथ शिर्क किया, किसी को शरीक ठहराया, उसको माफी नहीं मिलेगी, ये उसने पहले डिक्लेयर कर दिया। लेकिन बाकी जो भी हुकूक है उसकी मर्जी है, चाहे तो माफ करे, चाहे तो ना करे। लेकिन हुकूकुल इबाद के हवाले से उसने ये वजाहत फरमा दी है कि हुकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे जब तक कि वो बंदा माफ ना करे जिसका हक किसी ने मारा है। अच्छा, यहां पर एक मुश्किल और भी है, वो भी हल करता चलो। हमारे यहां माशाल्लाह स्कॉलर्स, दानिश्वर सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर तकारीर फरमाते हैं कि जी हुकूकुल्लाह की तो फिक्र ही ना करें, ना वो तो रहमान है, रहीम है, तवाब है, सत्तार है, गफार है, उसने तो माफ कर ही देना, और फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तमाम कायनात उसकी बारगाह में सजदे-ए-रेज हो जाए, उसकी शान में कोई इजाफा नहीं होता, और तमाम कायनात उसकी मुनकिर हो जाए, कोई तमाम उसकी शान में कोई कमी नहीं आती, तो उसको चूंकि कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए उसने अपने हक तो माफ कर ही देने हैं, उनकी फिक्र ना करो, बस सिर्फ हुकूकुल इबाद की फिक्र करो। बज़ाहिर सुनने में ये बात बड़ी दिलकश
महसूस होती है, लेकिन मैं आज कहूंगा ये धोखा है, ये फरेब है। हमारा ईमान है रब्बे कायनात अपने हुकूम चाहेगा तो माफ फरमा देगा, लेकिन वो चाहेगा तो माफ फरमाएगा, लेकिन सवाल ये है वो क्यों चाहेगा? अगर हमने हमेशा उसकी नाफरमानी की है, अगर हुक्म-ए-दूली की है, अगर उसके कहर गजब को दावत दी है, तो वो क्यों चाहेगा? हाँ, अगर हमने उससे माफी मांगी हो, उसकी बारगाह में आंसू बहाए हो, अगर तौबा के खासकार हुए हो, अपने किए पर नदामत का इजहार किया हो, अगर हमने उसके दर रहमत पर दस्तक दी हो, तो वो चाहेगा। तो उसकी चाहत के लिए भी तो हमें कुछ करना होगा। हजरत मुहतरम बहरहाल हुकूमुल्लाह जो है वो अगर चाहे। अच्छा, यहाँ पर एक और खलीफ भी आ सकती है, उसका जवाब भी देता चलो। तो इंसान इंसान है ना, टू अर इज ह्यूमन, इंसान खता का पुतला है। फर्ज कीजिए कोई अल्लाह का नेक बंदा है, उससे रौ लगाने वाला, उससे पीके बढ़ाने वाला, उसका महबूब बंदा है, लेकिन इंसान है, उससे कोई खता हो गई, गलती हो गई, जानबूझ के तो उसने किसी बंदे का हक नहीं मारा होगा, लेकिन भूल चूक में कहीं आकर उसने किसी बंदे का हक खा लिया। अब अल्लाह चाहेगा तो सही कि इसको ये माफी मिल जाए, लेकिन उसने चूंकि कानून बना दिया, सुन्नत कायम फरमा दी, इसलिए उसको खुद माफ नहीं फरमाएगा, बल्कि क्या करेगा, जिस बंदे का हक उसके जिम्मे है उसको बुलाएगा और फरमाएगा कि मेरे इस बंदे के जिम्मे तेरा एक हक बनता है, अगर तू ये एक हक इसको माफ कर दे तो मुझ रब्बे कायनात के जितने हक तेरे जिम्मे बनते हैं मैं तुझे माफ करता हूं। वो बंदा तो खुशी से नाचने लगेगा, मौला मैंने नमाजें नहीं पढ़ी थी, रोजे नहीं रखे थे, मैंने हलाल हराम में डंडी मारी थी, ख्याल नहीं किया था, तेरी इबादत और रियाजत में उस तरह वक्त नहीं लगाया था, लेकिन मौला ये तमाम हुकूक अगर तू माफ फरमा रहा है सिर्फ इसलिए कि मैं तेरे इस बंदे का हक माफ कर दूं, तो मुझे दिलो जान से ही सौदा मंजूर है। यहां पर मेरा जौक एक बार कहता है, वो कहते चलो पता ही चला कि कोई अल्लाह का महबूब बंदा कि फिर वो हक माफ करने के लिए रब्बे कायनात अपने सारे हक माफ फरमा देगा। हजरत मुकर्रम बहरहाल यहाँ पे ये पता चल गया कि हुकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे जब तक वो बंदा माफ न करे जिसका हक किसी ने मारा है। यहाँ दुनिया में साहिबान असर और रसूख और अरबाब इख्तदार क्या कहते हैं, वो मूछों पे ताव देके और गर्दन अकड़ा के और सीना तान के तड़ी लगाते फिरते हैं, कौन है जो हमारे सामने आ सके? अगर हमने किसी की रकम दबा ली है या जमीन हथियाली है या औरत भगा ली है तो हमसे कौन पूछ सकता है? पुलिस भी हमारे देरे पे नहीं आ सकती, एमएलए एमपी और बाबे इख्तदार भी हमारी खुशमेहनती के जिम्मेदार होते हैं, हमसे कौन पूछ सकता है? यारो यहाँ पर कोई किसी की तरह सोचे, लेकिन पता तो वहां चलेगा उस अदालत में जहां पर ये जो आम लोग हैं जिनको तुम खातिर में नहीं ला रहे, कहते हो कि कमी कमी में इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है, ये कौन हो सकते हैं हमसे दावा करने वाले और पूछने वाले, वहां पता चलेगा इनकी औकात क्या है। तो हमें उस हवाले से जरा मुहतात भी होना चाहिए और अल्लाह के बंदों से हुस्न सुलूक भी करना चाहिए। और अगर अच्छा एक चीज और भी है, बड़े लोग जो है वो एक काम और करते हैं, अच्छा जी ठीक है हमने ज़मीनें दबा ली हैं, उनकी जगह हम ये काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हम फिर सदका करते हैं ना, खैरात करते हैं, दर देंगे बांट रहे हैं, लोग आ रहे हैं भूखे वो खाना खा रहे हैं, तो बस ठीक है फिर हिसाब किताब बराबर होगी? इस तरह हिसाब किताब बराबर नहीं होता, वो तो जिसका हक है उसकी बात है ना। इस तरह आप बेशक बहुत लंगर चला रहे हो और बहुत खिदमत कर रहे हो, लेकिन अगर किसी का हक मारा है तो वो हक तो तभी माफ होगा जब वो बंदा माफ करे जिसका हक खाया गया। हजरत मुकर्रम मैं सिर्फ एक हदीस इस मौके पर पेश करके और फिर आपसे फिर आपकी जान छोड़ दूंगा, आप तो बहुत देर से बैठे हुए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे आका करीम हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा किराम से पूछा, तुम्हें पता है कि मुफलिस किसे कहते हैं? तो अरब के लोग
और अरब के लोगों को अपनी जबानदानी पर नाज होता है, उनको कलाम और बयान पर अपने उबूर और अपनी कुदरत पर फख्र होता है। इसीलिए बाकी दुनिया को अजम यानी गूंगा कहते हैं। ये अजमी है, ये गूंगे हैं, हम हैं अरब, हमें जबान इस्तेमाल करना आता है, उसकी नजाकतें हम जानते हैं। तो अरब लोगों से मेरे आका करीम पूछ रहे हैं, तुम्हें पता है मुफलिस किसे कहते हैं? तो सहाबे के नाम समझ जाते हैं कि एक लफ्ज का मतलब पूछना मकसूद नहीं है, हमें कोई सबक सिखाना मकसूद है। अर्ज करते हैं आका फरमाइए, फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, हश्र बरपा होगा और हम सबको कब्रों से उठाया जाएगा। आप जानते हैं क़यामत के दिन हम सब कब्रों से उठाए जाएंगे और फिर हमारे हाथों में नामा आमाल दिया जाएगा, किसी के सीधे हाथ में, किसी के उल्टे हाथ में। और ये भी आप जानते होंगे, जिसके सीधे हाथ में नामा आमाल दिया जाएगा, ये उसके लिए नवीद होगी, खुशखबरी, अल्लाह की रहमत की, बख्शिश की, मगफिरत की, जन्नत की। और जिसके उल्टे हाथ में लिया जाएगा, ये उसके लिए वईद होगी, बदखबरी होगी, अल्लाह के कहर की, गजब की, अजाब की, जहन्नम की। ये खौफ का मकाम है, अल्लाह ताला माफ फरमाए। हजरत मोहतरम, यहां एक बात और कहता चलूं, आपको पता है ना कि कोई चीज लेनी हो या देनी हो, उसके लिए सीधा हाथ इस्तेमाल करना सुन्नत तरीका है, आप जानते हैं। अच्छा, अगर हमारी आदत हो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की, अगर आदत हो, तो क्या पता शायद ऐसा हो, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी की, एक इम्कान की बात कर रहा हूँ, शायद ऐसा हो जाए कि फरिश्ते आए, नामा आमाल दे दें, हमारी आदत हो, हम आदतन सीधा हाथ बढ़ा दें और वो हमारे सीधे हाथ में नामा आमाल पकड़ा दें और आका करीम की एक सुन्नत पर अमल के सत्ते में क़यामत के दिन कोई बख्शिश की जरूरत बन जाए। तकरीर लंबी कराना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी। जो लोग बेचारे, एक तो फर्शी नशिस्त वैसे ही मुश्किल होती है, मुझे अंदाजा है, और जो कई घंटों से बैठे हो उनके लिए आजमाइश भी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसाले, नाज़ाने हुज़ूर गज़ालिए ज़मान, इमाम अहले सुन्नत। हज़रत मुकर्रम, मेरे आका करीम हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी कहता चलू, नामा आमाल फरमाया जाएगा, फिर जवाब तक भी पूछा जाएगा। हाँ भी बता, तूने जुर्म क्यों किया, ये गुनाह क्यों किया, रब की नापरमानी क्यों की, नदूली क्यों की। तो हमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन, जरा अंदाजा कीजिए, क़यामत के दिन मैदान महशर में, वहाँ पर भी जरा दाव लगाने की कोशिश करेंगे, चालाक बनने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछा जाएगा ये गुनाह क्यों किया, मुखर जाएंगे, बोला मैंने ये काम किया ही नहीं किया, तू अजीब आदमी है, ये नामा आमाल मौजूद है, तेरा सारा रिकॉर्ड सामने है, तू कहता है मैंने नहीं किया। तो जैसे वो गालिब का मशहूर शेर है ना, कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर ना हक, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर ना हक, आदमी अपना कोई दादवे तहरीर भी था। मौला, ये नामा आमाल तो फरिश्तों ने कंपाइल किया है ना, तो जब वो ये नामा आमाल में हमारे आमाल दर्ज कर रहे थे, हमारा कोई बंदा था जरा चेक करने के लिए, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कोई गलत एंट्री तो नहीं डाल रहे। मौला, ये इन्होंने कोई खुद ही ये दर्ज कर दिया ये गुना, हमने नहीं किए ये काम, फिर क्या होगा। जिन्होंने सूरह यासीन तर्जमे के साथ पढ़ी है वो जानते हैं, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, वो दिन वो होगा जब हमारे मुंह पर मोहरें लगा दी जाएगी और हमारे जिस्म के आज़ा को जबान मिलेगी, हाथ गवाही देगी। मौला, नामा आमाल में सच लिखा है, ये जुल्म, ये जुर्म इसने हमारे जरिए से किया, टांगे गवाही देगी। मौला, हमारे साथ तो चल के लिए, आंखें भी गवाही देगी। मौला, हमसे भी मदद लेता था और उरियानी फहाशी के हयाई के मनासिब को देखा ही हमारे जरिए से करता था। जरा सोचिए कैसा कड़ा वक्त होगा, अपने हाथ पांव अपने खिलाफ गवाही दे रहे होंगे, खुश्क मौसम को
तसव्वुर में बराबर रखना, चश्मे नम कल के लिए अष्ट बचा कर रखना। हजरत मुकर्रम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें पता है मुफ्लिस किसे कहते हैं? सहाबा किराम ने अर्ज की, आका आप बताइए, फरमाइए। सरकार ने फरमाया कि जब क़यामत के दिन होगा, हमें कब्रों से उठाया जाएगा, तो फिर नामा आमाल दिया जाएगा, और उनमें एक शख्स ऐसा होगा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मिसाल के तौर पर एक शख्स का जिक्र किया, लेकिन ऐसे बेशुमार लोग होंगे। फरमाया एक शख्स ऐसा होगा जिसके नामा आमाल में बड़ी नेकियां होंगी, इबादतें होंगी, रियाजतें होंगी, नमाजें होंगी, रोजे होंगे, ज़कात, खैरात, हज, उमरे, न जाने क्या क्या नेकियां होंगी, लेकिन उसने बहुत से लोगों के हक भी मारे होंगे। अब जिनके हक मारे होंगे तो वो भी तो वहां पे दामनगीर होंगे, वो पीछे होंगे अपना हक लेने के लिए। अब वो निकलेगा अपने हुकूक माफ कराने लोगों से, तो मसलन पहले शख्स के पास गया, मिन्नत की, समाजत की, मेरे अब्बू को रोया धोया कि मैं बड़ा नादिम, बड़ा शर्मिंदा, मुझे बेहद सब एहसास है कि दुनिया में वाकई मैंने तेरे साथ बड़ी ज्यादती की थी, तेरा हक मार लिया था, मैं अपनी खता को मानता हूँ, देर में हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ, मेहरबानी कर मुझे अल्लाह नाम पर माफ़ कर दे। वो बंदा कहेगा, मियाँ ये मैदान महशर है, यहाँ अल्लाह नाम पर माफ़ी नहीं मिलती, यहाँ मीज़ान लगा है, हर चीज़ तोली जा रही है, हिसाब किताब हो रहा है, आगे अल्लाह नाम पर माफ़ी मांगी। वो देखेगा इस तरह तो माफ़ी नहीं मिलती, क्या करूँगा? फिर एक तरकीब और लड़ाएगा, कहेगा अच्छा चल ऐसा कर, अगर तू ये अपना एक हक मुझे माफ़ कर दे तो मसलन वो कहेगा जी मैं अपने तहज्जुद के सवाब भी दे देता हूँ। वो सोचेगा मैं तो रातों को उठा नहीं, नींद खराब की नहीं, रब की बारगाह में झुका नहीं, लेकिन यहाँ मैदान महशर में बैठे बिठाए अगर मुझे तहज्जुद का सवाब मिल रहा हो तो मुझे तो फिर मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर वो उस पर राजी होगा तो उधर से उसका हक डिलीट हो जाएगा और इधर से उसका तहज्जुद का सवाब उधर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह फिर बाकी लोग होंगे, वो उनके पास पहुंचेगा, जैसे जैसे हक मारे होंगे वैसे वैसे सवाब देने होंगे, किसी को नवाफिल का सवाब देगा, किसी को सदका व खैरात का, किसी को फराइज का, वाजिबात का, किसी को हज का, किसी को उम्रे का। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हुकूक माफ कराते कराते उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, जो कुछ उसकी कमाई थी, नेकियां थी, सब बर्बाद, सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन अभी भी उसके जिम्मे कुछ लोगों के हुकूक बाकी होंगे, अब उसके पास देने को कुछ नहीं। अब जब वो जाएगा हुकूक माफ कराने तो अब जाहिर है मिन्नत गुजारी करनी है, अब मिन्नत उसकी मिन्नत करनी है, समाजत करनी है, हाथ पांव जोड़ने हैं, आंसू बहाने हैं, लेकिन उसको कोई जवाब मिले बात नहीं है, यहाँ पे इस तरह माफी नहीं मिलती। अब जब वो देखेगा कि इस तरह माफी नहीं मिलती, अब क्या करूँ, फिर एक और तरकीब आजमाएगा, कहेगा अच्छा भाई ऐसा कर, अगर तू अपना हक मुझे माफ कर दे तो तेरे नामे आमाल में ये जो गुनाह है ये मैं अपने जिम्मे ले लूंगा। वो बंदा सोचेगा कि अगर यहाँ नामे आमाल में से एक गुना जा रहा है, मेरा नामा अमाल हल्का हो रहा है यहाँ मैदान महशर में, मुझे फिर फायदा उठाना चाहिए। अगर वो उस पर राजी होगा तो उसका वो गुना उधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर से उसका हक डिलीट हो जाएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो तमाम हुकूक माफ करा के फारिग होगा तो उसकी अपनी नेकियां, अपने अमाल तो पहले खत्म हो चुके।